वेलकम टू आईकॉम क्लासेस एंड द फोर्थ लेक्चर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटे अब तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर पे किए, दोनों क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा था। पहला क्वेश्चन किया जिसमें नया पार्टनर ने गुडविल को कैश में लाया और आधा गुडविल पुराने पार्टनर्स ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हमने कल सेकेंड क्वेश्चन किया जिसमें नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा था और पुराने पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे थे, और पिछले क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट नहीं दी थी, उसके पहले वाले क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट दी हुई थी। तो बेटे गुडविल ब्रॉट इन कैश के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर वन, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा और वो गुडविल क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट नंबर टू है कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा और पुराने पार्टनर्स उसमें से थोड़ा, पूरा या आधा गुडविल क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गुडविल रेस। गुडविल रेस के अंदर दो एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती है, एंट्री नंबर वन गुडविल रेस की और एंट्री नंबर टू गुडविल राइट ऑफ की। याद रखना गुडविल रेस हमेशा पुराने पार्टनर्स करते हैं, इसके लिए वहां रेशो भी आपको कौन सा लगेगा, ओल्ड रेशो लगेगा। और गुडविल राइट ऑफ सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, इसलिए आपको जो रेशो लगेगा वो कौन सा रेशो लगेगा, न्यू रेशो लगेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, जहां पर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा और गुडविल रेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर थ्री। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज अंडर। एसेट साइड पे आते हैं, कैश एंड बैंक में 750 रुपीस था, डेटर से 66,750 मिलना बाकी था, स्टॉक से स्टॉक आपके पास 25,500 का रखा था, आपने इन्वेस्ट किया था 36,000 का, आपके पास प्लांट था 90,000 का और आपके पास लास्ट में बिल्डिंग थी कितने की, 36,000। बताया था सारे एसेट्स को एसेट्स में लिखते हैं, तो ये एसेट्स में चला गया। अब लाइबिलिटीज पे आ जाओ। सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर तो बेटे लाइबिलिटी में चला जाएगा क्योंकि उसको पैसा देना है। जनरल रिजर्व, याद करो कल क्या पढ़ाया था, जनरल रिजर्व बोलते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को, पुराना बचा हुआ जमा किया हुआ प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। वो प्रॉफिट पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर, यस ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। उसके बाद वासु का कैपिटल, वासु के कॉलम में चला जाएगा, विराज का कैपिटल, विराज के कॉलम में चला जाएगा। दे एडमिट हर एक इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2019 द टर्म्स बीइंग दैट फर्स्ट ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कैपिटल के नाम पे 60,000 लाएगा और फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा इसको कितना शेयर मिलेगा, 1/4। Value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profit of last 3 years. बोलते हैं goodwill जो है ना firm का वो fix है, the average profit of last 3 years, the profit was पहले साल का profit दिया है 48,000, दूसरे साल का profit दिया है 81,000, तीसरे साल का profit दिया है 73,500। फिर क्या बोलता है, Hari is unable. Mark that word. Hari is unable to bring the goodwill. Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. देखो साफ साफ बोल रहा है Hari goodwill का पैसा cash में नहीं ला सकता. It is decided to raise the goodwill. It is decided to raise the goodwill in the books of the account. फिर क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड, एड रुपीस का 300 1500 का आरडीडी बनाने बोला है तो हम जाके लेटर पे टिक कर देंगे। उसके बाद क्लोथिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500 तो हम लोग क्लोथिंग स्टॉक के ऊपर टिक कर देंगे। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% तो एक टिक प्लांट पे कर देंगे, एक टिक किस पर कर देंगे बेटे, बिल्डिंग पे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मैंने गलती से रिवैल्यूएशन लिख दिया था, वैसे रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सेम चीज होती है, फिर मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट स्लैश
लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑलराइट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैश एट बैंक 750, कैश प्रॉपर्टी है, असेट में चला जाएगा। असेट में जाने लिखना है कैश एट बैंक। सिखाया था, याद करो, कैश को हमेशा इनर कॉलम में लिख रहे हैं। और आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते, नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो बिजनेस, सॉरी नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इसके अंदर हमें प्लस कर रहे हैं। दूसरी बात, नया पार्टनर आज गुडविल लाई नहीं रहे तो इसका मतलब कैश के अंदर सिर्फ एक ही लाइन छूटेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ किस चीज की, कैपिटल की, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाई नहीं रहा है। अब जब गुडविल कैश में लाई नहीं रहा है तो ना तो गुडविल आने का सवाल पैदा होता है, ना तो गुडविल विड्रॉवल का सवाल होता है। इसका मतलब गुडविल से रिलेटेड जो कैश ट्रांजेक्शन थे वो आज आएंगे ही। चलो, कैश तो कंप्लीट हो गया। कैश के बाद दिया है सन्ड्री डेटर 66,750, डेटर की प्रॉपर्टी है तो उसको भी असेट्स में लिख देने का। डेटर इज, उस पर टिक मार्क है तो इनर कॉलम 66,750, एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स के बाद दिया है स्टॉक वैल्यू इज 25,500, उस पर भी ठीक है। स्टॉक वैल्यू इज 25,500। स्टॉक के बाद नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यू है 36,000 और उस पर कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 36,000, कोई टिक मार्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बाद दिया है प्लांट 90,000, बिल्डिंग 36,000, दोनों पर टिक है। प्लांट प्रॉपर्टी है तो एसेट में चला जाएगा। इनर कॉलम 90,000, उसके बाद है बिल्डिंग, इनर कॉलम 36,000। सक्सेसफुली हमारा पूरा एसेट्स खत्म हो गया। अब लायबिलिटीज पर आते हैं। लायबिलिटी में बेटे सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 45,000। क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है, जो देना बाकी होता है लायबिलिटीज होता है, वो लायबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे क्रेडिटर्स, टिक मार्क तो है नहीं, डायरेक्ट आउटर वैल्यू 45,000। क्रेडिटर के बाद दिया है जनरल रिजर्व पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो पार्टनर के क्रेडिट में जाने का। पहली लाइन कैपिटल के लिए छोड़ दोगे, दूसरी लाइन पे लिखना है आपको बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का वैल्यू है 30,000 और जो रेशो दिया है वो दिया है 3:2, तो 30,000 को 3:2 यानी कितने से डिवाइड करोगे, 5, 5 6 30, 0, 0, 0, 6,000। पहले वाले का रेशो 3 है, 6,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 18,000 और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 12,000 और हली को तो जनरल रिजर्व नहीं मिलेगा। जनरल रिजर्व के बाद दिया है कैपिटल, विराज का कैपिटल विराज के कॉलम में, वासु का कैपिटल वासु के कॉलम में। वासु का कैपिटल है बेटे 1,08,000, कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वासु कैपिटल इज 1,08,000, विराज का कैपिटल है 72,000 और हरि तो अब तक आया ही नहीं। चलो मूविंग एडजस्टमेंट नंबर 1, दे एडमिट हरि इनटू पार्टनरशिप, द टर्म बीइंग दैट
he shall have to bring 60,000 as his capital for 1/4 share in future profit. Hari se capital ke naam pe kitna rupees ye log mang rahe hain? 60,000. Hari jab 60,000 rupees business mein layega to business mein paisa aayega. Paisa aayega to cash mein plus kar do. Plus Hari capital. कैपिटल के नाम पे हरि कितना रुपया ला रहा है बेटे? 60,000. 60,000 में 750 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 60,750. कैपिटल लाया है तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय. कौन से अकाउंट से ला रहे हो? बैंक अकाउंट. तो यहाँ से यहाँ पे लिख देना है बाय बैंक अकाउंट. वासु ने नहीं लाया तो डैश. विराज के कॉलम में भी डैश. हरी ने लाया तो हरी के कॉलम में लिख देंगे 60,000. चलो एडजस्टमेंट नंबर 2. वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट. बोलते हैं गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट जितना ही है. ऑफ द लास्ट 3 ईयर द प्रॉफिट वर, पहले साल का प्रॉफिट दिया 48,000, दूसरे साल का 81 और तीसरे साल का 73,500. हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश. It is decided to raise the goodwill in the books of the firm. पहले बेटे goodwill निकाल लेंगे. goodwill निकालने में क्या पड़ा था? सबसे पहले क्या निकालेंगे? average profit, जो कि आज हमारा average profit ही goodwill है. इसीलिए कैसे लिख दिया देखो, average profit slash goodwill. average profit का क्या formula रहता है? total profit divided by number of year. तो total profit में पहले साल का profit है आपका 48,000 plus दूसरे साल का आपका प्रॉफिट है 81,000 प्लस तीसरे साल का आपका प्रॉफिट है 73,500. तीन साल है तो डिवाइड कितने से कर देंगे बेटे? 3 से. चलो प्लस कर लेते हैं. 1,20,000, 1,90,000, 1,98,000, 1,99,000, 2,500. 2,500 कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 3 से. 3 6 18 कितना कैरी हो जाएगा? 2. 3 7 21 कितना कैरी हो जाएगा? 1. 3 5 15 3 0 0 3 0 0 ये आपका गुडविल भी हो गया और एवरेज प्रॉफिट भी हो गया. 67,500 बल्कि पूरी फॉर्म की वैल्यू पे रेज होता है. दिस इज द टोटल फॉर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल. ये पूरी फॉर्म का गुडविल है और जब रेज होगा तो फर्म की वैल्यू पे रेज होगा, न्यू पार्टनर के शेयर पे नहीं होगा. न्यू पार्टनर का शेयर आपको तब निकालना है जब वो गुडविल कैश में लाएगा. अभी फिलहाल कैश में नहीं ला रहा है, गुडविल रेज हो रहा है, इसीलिए हमने पूरे फर्म की वैल्यू लेना है. कल का क्वेश्चन याद करो, कल नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा था तो गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका शेयर भी कैलकुलेट करना पड़ा था. आज वो गुडविल कैश में नहीं ला रहे तो आपको उसका शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आपको टोटल फर्म का गुडविल चाहिए, वो आपके सामने है, दैट इज 67,500. अब देखो रेज में तुमको याद क्या रखना है. रेज के केस में दो कॉन्सेप्ट, एक खाली रेज होता है और एक होता है रेज एंड रिटर्न ऑफ. I repeat, goodwill raise के concept में कितने types हैं? एक goodwill raise है और दूसरा कौन सा है? goodwill raise and written off. जब question में खाली raise करने बोलेगा तो पहला effect partner की credit में लिखने का और दूसरा effect दे देने का asset में. I repeat, जब question में सिर्फ goodwill raise करने बोलेगा तो पहला effect partner की credit में देने का और दूसरा effect कहाँ पे दे दोगे? asset side. लेकिन अगर रेज के साथ राइट ऑफ करने की बोला तो पहला इफेक्ट पार्टनर के क्रेडिट में तो दोगे, बस दूसरा इफेक्ट एसेट में मत देना, पार्टनर के डेबिट में. इससे ज्यादा रेज और रिटर्न ऑफ में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं. दोबारा सुन लो, खाली रेज करने बोलेगा, पहला इफेक्ट पार्टनर का क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट एसेट. रेज एंड राइट ऑफ दोनों बोल दिया तो पहला इफेक्ट पार्टनर का क्रेडिट, दूसरा एसेट में नहीं जाओगे, पार्टनर के नाम पे चले जाओगे डेबिट से. जब आप क्रेडिट में लिखोगे तो पैसे को सिर्फ पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे
और जब डेबिट में लिखोगे तो पार्टनर तो गुडविल को सारे पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इसीलिए यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो लगेगा और यहाँ पे आपको कौन सा रेशियो लगेगा, न्यू रेशियो लगेगा। दोबारा सुन लो, रेस के वक्त यहाँ लिखना है क्रेडिट साइड पे और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स आपस में गुडविल के अमाउंट शेयर करेंगे, और राइट ऑफ के वक्त डेबिट साइड पर लिखना है सारे पार्टनर गुडविल के अमाउंट को बेयर करेंगे और आपको रेशियो कौन सा लगेगा, न्यू। फिलहाल राइट ऑफ की बात ही नहीं हुई है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ काय की बात हुई है, रेस की। तो हम पहला इफेक्ट पार्टनर के क्रेडिट में देंगे और दूसरा इफेक्ट आपके दे देंगे एसेट्स में। तो पार्टनर के क्रेडिट में जाने का लिखने का बाय गुडविल अकाउंट, दूसरा इफेक्ट हम एसेट में दे देंगे गुडविल 67,500। अब यहां पे जो गुडविल है आपको पुराने पार्टनर्स में बांटना है, इसके लिए आपको ओल्ड रेशियो लगेगा 67,500, ओल्ड रेशियो है 3:2, दैट इज 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 5 जा 25, कुछ भी कैरी नहीं, 0 0। पहले वाले का रेशियो क्या है, 3। चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 40,500। दूसरे वाले का रेशियो 2 है, 13,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27,000। चलो ये गुडविल रेज हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट रुपीज 1500। 1500 का आरबीडी बनाने को रहा है, आरबीडी वो पैसा जो डेटर डुबा देगा, दुबा देगा मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डेटर में से माइनस कर दो, लेस आरडीडी 1500, वैल्यू बचेगा 65,250 रुपीस। आरडीडी लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट, पुराना आरडीडी था ही नहीं तो पूरे 1500 का लॉस हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आते हैं, क्लोथिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। क्लोथिंग स्टॉक 25,500 था, अब उसको बोल रहे हैं 22,500 कर दो, तो 25,500 की चीज को 22,500 का कर दोगे यानी कितने से कम कर रहे हो, 3,000। यहां पे लिखेंगे लेस रीवैल्यूड, आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, आपको लॉस हो गया, लॉस फिर से डेबिट में चला जाएगा, टू स्टॉक अकाउंट 3,000। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, प्लांट और बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट कर दो, लेस 5% डेप्रिसिएशन, 90,000 का 10% 9,000, आधा कर देंगे तो 5% मिल जाएगा, दैट इज 4,500। वैल्यू बचेगी 85,500, लेस 5% डेप्रिसिएशन, 36,000 का 10% 3,600, उसका आधा कर देंगे तो 5% मिल जाएगा 1,800। वैल्यू बचेगी 34,200, डेप्रिसिएशन लॉस है, लॉस है तो इसको भी डेबिट में दिखा देंगे, 2 2। पहला लॉस प्लांट पर हुआ, कितने का लॉस हुआ बेटे, 4,500। दूसरा लॉस बिल्डिंग पर हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 1,800। तो बिल्डिंग अकाउंट 1,800। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, चलो क्लोज कर लेते हैं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस ही लॉस, 1,500, 6,000, 9,000, 10,800।
10,800 बड़ा है दोनों तरफ लिख देंगे 10,800 here also 10,800 माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं तो बचेगा भी कितना बेटे 10,800 पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहां जाने का लिखने का बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या लिख देता हूं चाहिए तो लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बैठेगा दैट इज वासु एंड विराज 3:2 का रेशियो है 10,800 3:2 कितना होता है बेटा 5 5 2s are 10 5 1s are 5 3 carry 5 6s are 30 5 0s are 0 पहले वाले का रेशियो 3 है तो 3 0s are 0 3 6s are 18 1 carry 3 1s are 3 +1 4 कुछ भी carry नहीं 3 2s are 6 दूसरे वाले का रेशियो 2 है तो 2000 का बन जाएगा 4000 160 का बन जाएगा 320 4,320 रुपया ये क्रेडिट में है तो ट्रांसफर होके क्रेडिट में नहीं जाएगा बल्कि कहां पे चला जाएगा डेबिट में डेबिट में जाना है लिखना है टू क्या नाम है आपके अकाउंट का आज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो आप भी वही लिखो प्रॉफिट स्लैश लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले वाले को लॉस हुआ है 6,480 का दूसरे वाले को लॉस हुआ है 4,320 का तीसरे वाले को कुछ भी लॉस नहीं हुआ चलो क्लोज करते हैं सबसे पहले हरी को क्लोज कर देता हूं हरी का क्रेडिट साइड 60,000 यहां पर आएगा 60,000 यहां भी आएगा 60,000 माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं तो बचेगा भी बेटे कितना 60,000 अब आ जाओ विराज पे 72 84 94 1,04 +7 = 1,11,000 यहां भी आ जाएगा 1,11,000 चलो फिर से एक बार प्लस कर लेते हैं 70 90 99 1,09 1,11 1,11,000 में से 4,000 निकालोगे तो कितना बचेगा 1,07,000 1,07,000 में से 320 निकालेंगे तो 1,06,680 यानी 10,000 10,000 10,000 10,000,000 हो गया 1,06,680 रुपीस 1,06,680 अब आ जाते हैं वासु पे 1,08,40 148 158 158 + 8 166,500 166,500 here also 166,500 166 में से बेटे 6 जाएगा तो कितना बचेगा 160 500 में से 480 जाएगा तो बचेगा 20 आंसर आएगा 1,60,020 रुपीस कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते क्या लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल लाइबिलिटीज में जाते हैं लाइबिलिटी में जाएंगे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन पहले पार्टनर का नाम वासु देन विराज देन हरि हरि का कैपिटल 60,000 वासु का कैपिटल 1,60,020 रुपीस विराज का कैपिटल 1,06,680 रुपीस चलो प्लस कर लेते हैं 0 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 1 कैरी 7 6 फिर 6 6 12 हो जाएगा 1 कैरी 3 326 700 320 में 40 मिलाएंगे 360 370 1700 3 लाख
71,700, ये साइड का आ गया टोटल 371,700। अब यह साइड पे आ गए, फर्स्ट अमाउंट इज 60,750, दूसरी वैल्यू है 65,250, तो 0, 10, 1 कैरी, 10, 1 कैरी, 6, कुछ भी कैरी नहीं, 12, 1,26,000 आ गया है दोनों का टोटल। अब ये टोटल का प्लस कर लेते हैं 30, 50, 58, 58,500, उसके बाद 85,500, उसके बाद 60, 90, 1,01,700, 1,01,700, 0, 0, 17, 1 carry, 7, 15, 20 plus 1, 21, 2 carry, 4, 9, 9 or 18 हो जाएगा 17, 1 carry, 3, your answer is 3,71,700, 3,71,700. Please copy the question and as well as copy this board. कल जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटे वो क्वेश्चन करेंगे गुड विल रेस एंड रिटर्न ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर।